श्री राधे। माइक मास्टर कृपया माइक पर ही ध्यान दें, यहाँ कोई भी नहीं बैठेगा आपके पास, विशेष माइक पर ही ध्यान देना है आपको। श्री राधे, श्री राधे, इसकी आवाज बढ़ाना है तुमको, इसकी श्री बोलिए। गणपति गणेश की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, रज राम चंद्र की, कृष्ण बलदेव की, फूलवती मैया की, चंद्रुआ सरकार की, शंकर भगवान की, सिद्ध बाबा महाराज की, संत समाज की, लंगर बस्ती की, जय जय श्री राधे। मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा बरहापीडं नटवरे वपु करणयो कर्णिकारम् कनकी कपिशं वैजयंती चमानं रंध्रान वेणो रधरे सुधयं पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति वंदे संतं श्री हनुमंतं श्री रामदासेशमरं बलवंतं श्री राम कथा निपिमितं परम प्रेम भरे नटंत नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लार विन्दायति पत्रनेतम इहे नत्वय भारते तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय
करीपुर गौर करुणा बतान करीपुर गौर करुणा बतान चरण बंदनी भगवत पाद पद्मास्त परमात्मा के स्वरूप में विराजे श्री ठाकुर जी महाराज श्री भागवत भगवान जगत जननी जगत कल्याणी मां फूर्वती मैया के गोदी में बैठे हुए उत्तरांचल हिमांचल विंध्यांचल के ऋषि महर्षि एवं संतगण दूर दराज क्षेत्रों से नगरों से महानगरों से ग्रामीण अंचलों से पधारे भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंद मंगलमयी माताएं पूजनीय बहनें वयोवृद्ध बुजुर्ग दूर दराज क्षेत्रों से नगरों से आए हुए सभी हमारे अतिथिगण तीर्थानाम परम तीर्थम कृष्ण नाम महर्षया तीर्थी कुर्वन्ति जगतीं गृहीत कृष्णाम्बई प्रेमियों भगवान का कीर्तन संपूर्ण जगत को तीर्थ बना देता है चलो हम और आप तीर्थ बनाएं मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद
आपके चरणों में नमन करते हुए कथा को अग्रसर करते हैं। देवी पूज पदे कमल तुम्हारे अधिष्ठात्री देवी रहस्य राशेश्वरी वृंदावन विनोदनी कृष्ण प्रिया श्री किशोरी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अनंत बलवंत श्री रामदूत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए पृथ्वी के देवता भूषुर उन ब्राह्मणों को विप्रों का अभिवादन करते हुए कथा को अग्रसर करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के पावन तट कथा सुनाने लगे। सुखदेव कौन है और परीक्षित कौन है? प्रेमियों, जीव का नाम परीक्षित है और ज्ञान का नाम सुखदेव है। जीव रूपी परीक्षित को ज्ञान रूपी सुखदेव गंगा के पावन तट कथा श्रवण करा रहे हैं। गंगा कौन सी है? कि रामे कथा जहां सुरी सरी धारा कथा जहां सुरी सरी धारा कथा रूपी गंगा के पावन तट और कहां प्रयाग में जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों धाराएं बहा करती हैं। यहां तीन धाराएं कौन हैं? ज्ञान का नाम गंगा है, भक्ति का नाम यमुना है, सरस्वती ये सत्कर्म का किनारा है। इस ज्ञान भक्ति रूपी सत्कर्म के किनारे पर जीव रूपी परीक्षित को ज्ञान रूपी सुखदेव कथा श्रवण करा रहे हैं। सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापित्रये विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का नाम है सच्चिदानंद, जिनके तीन स्वरूप हैं सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप। इन्हीं को शतोगुण कहते हैं, इन्हीं को रजोगुण कहते हैं
और इन्हीं को तमोगुण कहते हैं, इन्हीं को ब्रह्मा कहते हैं, इन्हीं को विष्णु कहते हैं, इन्हीं को शिव कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों को दूर कर देते हैं, वयम नमा हम श्री गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। जय हो। सच्चिदानंद मिलेगा कब? जब मेरा चित्त सत्य की ओर दौड़े। सच्चिदानंद नहीं, ब्रह्मानंद नहीं, पूर्णानंद मिल जाएगा आपको। हमें अपने चित्त की शक्ति को सुधारना है, मेरे गोविंद की। मन मंदिर में जाने के दो ही मार्ग हैं, एक आंख और दूसरा कान। इन दोनों को पवित्र रखना है। आंख और कान नंबर का चश्मा बना करके पहनना है। कई लोग शौक के चश्मा पहनते हैं, कोई हरे पीले काले पहनते हैं, लेकिन नंबर का चश्मा, ये भक्ति रूपी चश्मा हमेशा लगाई रखना, जिससे आपको सियाराम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी, मेरे गोविंद का दर्शन होता रहे। एक बार महाराज परीक्षित ने पूज गुरुवर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव मैंने गोविंद के बहुत से चरित्र सुने, लेकिन मैंने ये सुना है कि रीछ की बेटी से, भालू की बेटी से मेरे गोविंद ने विवाह किया। प्रभु यही तो कथा सुनना चाहता हूं। चलिए महाराज परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं। शत्र जित्रा शोतनयाम कृष्णाय कृते किल्नुषम शमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्यो दत्तवान। राजन, शत्राजित नाम का एक राजा है, बड़ा प्रतापी राजा है। वो भगवान सूर्यदेव का भक्त था। सूर्य की भक्ति करने से शरीर निरोग रहता है, बुद्धि निर्मल उज्जवल हो जाती है। शत्राजित राजा ने इस भगवान सूर्यदेव की उपासना की। भगवान सूर्य ने उसे शमंतक मणि दे दी। मणि को लेकर के आगे बढ़ा। द्वारकानाथ ने शत्राजित से कहा, शत्राजित इस मणि को मुझे दे दें। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कुल सदस्य कितने हैं? सत्राजित कहने लगा, महाराज मैं, मेरी पत्नी, एक मेरा भाई, एक मेरी बेटी। मेरे गोविंद बड़े जोरों से हंसे, हाँ हाँ, तो इसका मतलब यह है तुम्हारे घर में कुल 3.5 आदमी हैं। इस मणि को क्या करोगे? ये मणि मुझे दे दो तो मैं राजा उग्रसेन के खजाने में जमा कर दूं। सत्राजित ने भगवान की आज्ञा भंग करने का कोई विचार न मानते हुए उसने मणि को नहीं दिया। मणि लेकर के ब्राह्मणों के द्वारा देव मंदिर में लेकर के स्थापना करा दी। जहां वो मणि रहती है वहां किसी प्रकार का मानसिक रोग नहीं होता, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता, सर्पादि व्याधियां नहीं होती हैं, रोग इत्यादि नहीं होते। वो मणि का काम क्या है कि नित्य प्रति 8 बार सोना देती है। 8 बार जानते हो कितना होता है? 1 बार 1 मन का होता है, तो ऐसे 8 मन सोना देती है। नित्य प्रति 8 मन सोना देती है। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन घोड़े पर चढ़ करके मणि पहन करके जंगल में मृगया करने के लिए गया। प्रेमियों, घोड़े समेत प्रसेन को एक सिंह ने मार दिया। मणि लेकर के आगे बढ़ा। मणि का लोभी जांबवान आया। जांबवान ने लेकर के सिंह को मार दिया। मणि लेकर के गिरी गंदरा में प्रवेश किया, अपनी बेटी जांबवती को दे दिया।
खिलौने के रूप में खेल रही है जंबती। शत्रजित के भाई भसेन को जंगल में गए काफी समय हो गया। शत्रजित विचार करने लगा, मेरा भैया प्रसेन काफी समय हो गया लौट करके नहीं आया, संभवतः हो सकता है कि मेरे भैया प्रसेन को श्री कृष्ण ने मरवा दिया। क्यों? कि एक दिन श्री कृष्ण द्वारका नाथ ने मेरे से मणि मांगी, मैंने मणि नहीं दिया और मेरा भाई प्रसेन गले में मणि पहन करके गया। संभवतः हो सकता है कि मेरे भैया प्रसेन को श्री कृष्ण ने मरवा दिया। ये झूठा कलंक सारे ब्रज में चल रहा है। श्री कृष्ण ने प्रसेन को मरवा दिया, श्री कृष्ण को ये बड़ा पाप लगा। धीरे धीरे ये बात मेरे गोविंद के कानों में पहुंची। वो अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी महाराज के पास में पहुंचे। गुरुदेव, प्रसेन को तो मैंने देखा भी नहीं, उस शत्रजित ने मुझे मिथ्या कलंक लगा दिया कि द्वारकानाथ ने प्रसेन को मरवा दिया, द्वारकानाथ ने प्रसेन को मरवा दिया, मैंने तो देखा भी नहीं। गर्गाचार्य जी ने अपना ज्योतिष उठाया, कहा श्री कृष्ण, हां गुरुदेव, आपने भादों की चौथ के चंद्रमा को देख लिया, इसलिए तुमको मिथ्या कलंक लगा। प्रेमियों, जो भादों की चौथ के चंद्रमा को देख लेता है उसे मिथ्या कलंक लग जाता है। उस मिथ्या कलंक को मिटाने के लिए लोग एक दूसरे के घर ढेल और पत्थर फेंकते हैं। ढेल पत्थर फेंकने से अगर देवता प्रसन्न हो जाए तो भंडारों की क्या आवश्यकता। मेरे गोविंद, द्वारका प्रवासियों को साथ में लेकर के प्रसेन को खोज करने के लिए जा रहे हैं। जंगल में जाकर के पहुंचे, वनवासियों से पूछ रहे, वनवासियों क्या घोड़े पर चढ़े हुए किसी पुरुष को देखा है? वनवासियों ने कहा, मैंने देखा है, घोड़े समेत उस पुरुष को एक छिंग ने मार दिया, मणि लेकर के आगे बढ़ा। भगवान बड़े खोजी हैं, अगर किसी की गाय भैंस खो जाती है तो खोजियों को बुलाया जाता है। खोजिया धूप पर भी बता देता है कि ये निकल के गया, देखो यहां धूप को मिलाई है। भगवान आगे बढ़े, पूछ रहे हैं, क्या तुमने यहां सिंह को देखा है? कि हां, सिंह आगे मणि लेकर के चला गया, उसे लेकर के जांबवान ने मार दिया। भगवान चलते 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 जामबान की गुफा पर जाकर के पहुंच जाते हैं। द्वारका प्रवासियों को गुफा के बाहर खड़ा कर दिया और कहा, प्रवासियों, जब तक मैं इस गिरिकंदरा से बाहर ना आऊं तब तक आप लोग कोई भैया नगर द्वारका में मत जाना। मेरे गोविंद जाकर के पहुंच गए गिरिकंदरा में। ऋक्षराज विलंभिनो अंधेन तमसावृतम एको विवेक वस्थापि वही प्रजा। जामबान की गुफा पर खड़े हो गए, पुरवासियों को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। जामवती कन्या जामबान की पुत्री खिलौने को लेकर के मणि को खिलौना बनाए हुए, तम पूर्व नरम दृष्टा धात्री चुक्रोश भीतवत द्वंद युद्धम शुतुम लोम भयो बिजगी।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे श्याम गिरिकंदरा में प्रवेश किया, जामवान की पुत्री नर रूपधारी प्रभु को देखा। तुम पूर्व नरम दृष्टा धात्री चुक्रोश भीतवत्, चिल्लाने लगी रोने लगी, क्योंकि उसने जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों ने कभी नर रूप को नहीं देखा। जामवान ने अपने ही थे गुस्से में आकर के जामवान गिरिकंदरा में प्रवेश कर गया। द्वंद युद्ध होने लगा, अस्त्र शस्त्र पत्थर वृक्ष और भूसे से युद्ध चल पड़ा। प्रेमियों, द्वारका नाथ और जामवान का युद्ध एक दो दिन की बात नहीं, 10-15 दिन की बात नहीं, 28 दिन रात युद्ध चलता रहा। अंत में मेरे गोविंद ने विचार किया, एक मुष्टि घूंसा बना करके और जैसे ही जामवान के सुदृढ़ अंग में प्रहार किया, घूंसे के लगते ही जामवान की नस नस ढीली पड़ गई। एक घड़ी तक मूर्छित रहा, मूर्छा खुलने पर कहने लगा, सुनेरी मैंने मेरे बल के बलदान पुरुषोत्तम प्रभु आप ही हो क्या? दूसरा घूंसा मत दे देना, नहीं तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। सुनेरी मैंने मेरे बल के तुम ही विश्व सृजन सृष्टा काला कलेतानी शापराज्ञा तथा पना, क्या विश्व की रचना करने वाले आप ही हो, क्या पालन करने वाले आप ही हो, क्या संहार करने वाले आप ही हो। सो मेरी मैंने मेरे मन के क्या निर्बलों के बलराम आप ही हो प्रभु, प्रार्थना किया जामवान ने। तो मेरे गोविंद ने उसके ऊपर हाथ फेरा, सारी पीड़ा हरण हो गई कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा उतने शत्रु हो, जा पे कृपा रघुनाथ की बाल न माता हो। जहां मेरे गोविंद ने हाथ फेरा, मैं तो आए हूं जामवान, मैं इस मणि के द्वारा मिथ्या कलंक को मिटाने के लिए आया हूं। जामवान ने कहा, मार्जन कैसे होगा, मैं कौन सा पुण्य करूं, कौन सा दान करूं, कौन सा धर्म करूं जिससे मेरे प्रभु मेरे अपराध को भूल जाए। उसने विचार किया, हां मेरे पास एक रत्न है, वो कौन सा रत्न है, वो कन्या रत्न है, मैं अपनी कन्या जामवती और मणि को दे दूंगा तो मेरे प्रभु अपराध को भूल जाएंगे। जामवान ने अपनी कन्या जामवती को और मणि को लेकर के भगवान गोविंद द्वारका नाथ को दान कर दिया। प्रभु नगर द्वारका के लिए आ रहे हैं, चले आ रहे हैं,
नगर द्वारका के लिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। यामती को लेकर के नगर द्वार का आ रहे हैं। यामती से कहा, यामती मोह को भर द्वारका में प्रवेश किया। इधर द्वारका प्रवासी 12 दिन तक तो गिरकंदरा के दरवाजे पर खड़े रहे, 12 दिन के बाद में अपने वापिस लौट आए। प्रवासी मां भवानी से प्रार्थना कर रहे कि हे मां, मेरे प्रभु शीघ्र ते शीघ्र आ जाएं तो तुम्हारी पूजा अर्चना वंदना करो। अर्चना वंदना कर रहे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, इधर मेरे गोविंद जामवती को लेकर के आए। द्वारका प्रवासियों ने देखा, मेरे द्वारका नाथ को लेकर हृदय से लगाया। जैसे मृतक के प्राण आ जाने से इंद्रियां सचेत हो जाएं, वही प्रकार से मेरे गोविंद के आने पर द्वारका प्रवासियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी रुक्मिणी ने पूछा, नाथ ये कौन है? मेरे गोविंद बड़ी जोरों से हंसे, कहा, रुक्मिणी ये दूसरी पटरानी है, तो ये मोह क्यों बंद किया है? मेरे गोविंद ने ये और कह दिया कि आपसे भी ज्यादा सुंदर है। तो मोहिन नारी नारी के ये रूप, मोह क्यों नहीं खोल रही? द्वारका नाथ ने कहा, रुक्मिणी अगर कोई नई बहू आती है तो मोहचाना करना पड़ता है, तब मोह देखा जाता है, ऐसे मोह नहीं देखा जाता है।
तो मेरे गोविंद के श्री चरण कमल कल्प वृक्ष पर खड़े होकर के रुक्मणी प्रार्थना कर रही है कि हे नाथ मेरे से ज्यादा सुंदर न हो, मेरी ही जितनी सुंदर हो। कल्प वृक्ष के नीचे प्रभु के चरणों में जो याचना करोगे वही मिल जाएगा। देवी रुक्मणी ने जैसे ही मुंह खोला, यामवती रुक्मणी जैसी हो गई। नगर द्वारका में द्वारकानाथ ने यामवती के साथ में गांधर्व विधि से विवाह किया। मणि लेकर के शत्रजित को सौंप दिया। शत्रजित ने मस्तक झुकाया, शर्मिंदा हुआ कि मैंने प्रभु को झूठा कलंक लगाया। इस कलंक के अपराध का मार्जन कैसे होगा, क्या करूं, कौन सा दान करूं। हाँ, मेरे पास में एक शक्तिभामा नाम की कन्या है, मैं कन्या को और मणि को दे दूंगा तो मेरे अपराध भूल जाएंगे मेरे गोविंद। शत्रजित ने अपनी कन्या शक्तिभामा को मणि को दिया। द्वारकानाथ ने कहा, शत्रजित आप सूर्य देव के भक्त हैं, सूर्य का प्रसाद सेवक के पास में, स्वामी का प्रसाद सेवक के पास में रहना चाहिए, हम इसके फल के भागी हो सकते हैं। क्या ले सकता हूं, मणि लेने का अधिकार नहीं। जो ये नित्य प्रति 8 बार सोना देती है मैं सोने को ले सकता हूं लेकिन मणि को नहीं। सत्यभामा को स्वीकार किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सत्यभामा के साथ में विवाह किया। मेरे प्रभु ये कलंक क्यों लगा, ज्योत का चंद्रमा कोई जो देख लेता उसे मिथ्या कलंक लग जाता है। प्रेमियों उसका नाम क्या है, गणेश चौथ। उस भादों की चौथ के दिन गणेश जी महाराज का जन्म हुआ, उसे बड़ी चौथ कहते हैं। हमारे क्षत्रिय ब्राह्मणों में सभी में कारसदेव महाराज की पूजा की जाती है। चौथ के दिन किसी के यहाँ दूध नहीं जमता था, आज देरियों ने उस मर्यादा को भंग कर दिया। नहीं तो भाई चौथ के दिन घर में कितना दूध होता था, सभी लेकर के खीर बनाते, भगवान का प्रसाद बना करके मान करके उसे प्रसाद पाते। आज नहीं है वो व्यक्ति। गणेश जी महाराज को चौथ के दिन, भादों की चौथ के दिन जन्म हुआ। अपने वाहन पर चढ़ करके जा रहे थे। गणेश जी के वाहन से तो शायद सभी लोग सुपरिचित होंगे, कोई फॉर्चूनर गाड़ी नहीं है, कोई बुलेट मोटरसाइकिल नहीं है, उनका वाहन है चूहा, और कहीं देहात में कहते हैं चोखरा। चूहे पर बैठ करके जा रहे थे गजानन गणेश जी। चौथ का चंद्रमा आकाश में उदित था, चूहे के छोटे छोटे पांव थे, कीचड़ में फंस गए, बहुत पांव फड़फड़ा, नहीं निकल पाया। ओ भाई, कोई गियर वाली गाड़ी होती तो पहला गियर डाल देते, एक्सीलेटर दबा देते, गाड़ी निकल जाती, लेकिन चूहे के छोटे छोटे पांव नहीं निकल पाया। चौथ के चंद्रमा के दिन आकाश में चंद्रमा हंसने लगा, वाह गणेश जी का वाहन बड़ा लंबा चौड़ा है, तनक से कीचड़ से नायल निकल पाई हूं। उस समय गणेश जी ने देखा चंद्रमा हंस रहा है, तो चंद्रमा को श्राप दे दिया गजानन गणेश ने, चंद्र तुम मुझे मेरे वाहन को देख करके हंस रहे हो, जाओ आज के दिन तुझे कोई देख लेगा तो मिथ्या कलंक लग जाएगा। उस कलंक को मिटाने के लिए लोग एक दूसरे के घर ढेल और पत्थर फेंकते हैं। बताओ भाई, कोई देवता नाराज हो जाए, ढेल पत्थर फेंकने से प्रसन्न हो जाएगा तो कल भंडारे की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कहीं भादों की चौथ की चंद्रमा को देख लिया जाता है उस दिन हमें क्या करना चाहिए,
गजानन गणेश जी का कीर्तन करना चाहिए। गणेश जी का लड्डुओं से भोग लगाना चाहिए, संत सेवा करना चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गजानन भगवान प्रेमियों, चंद्रमा का घटना बढ़ना कब से प्रारंभ हुआ मैं आपको बताता हूं कि 15 दिन में कला कला से बढ़ जाता है और 15 दिन में कला कला से घट जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, राजा दक्ष की 27 कन्याएं और ये चंद्रमा को ब्याही थी, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्यार करता, अन्यत्र पत्नियों से नहीं। ये 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी से लेकर के रेवती तक ये राजा दक्ष की कन्याएं हैं। ये चंद्रमा को ब्याही, चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा प्यार करता है, अन्यत्र पत्नियों से नहीं। सभी बेटियां जाकर के पत्नियां, महाराज अपने पिता दक्ष के पास में पहुंची, पिताजी चंद्रमा मेरे से प्रेम नहीं करता, वो रोहिणी से प्यार करता है। महाराज श्री दक्ष ने आज बुलवाया चंद्रमा को, चंद्रमा से कहा सभी पत्नियों पर एक सा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने वहां तो हां कर दिया, उसने वहां तो हां कर दिया, लेकिन उसकी आदत बिगड़ी हुई थी। बोलिए कन्हैया लाल की जय। कन्याएं फिर पहुंची अपने पिता दक्ष के पास, पिताजी वो नहीं मान रहा, तो राजा दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जा तू छई रोगी हो जा। छई रोगी जानते हो आप लोग, जिसको कहते हैं वर्तमान में टीवी का रोग। टीवी का रोग ऐसा होता कि 15 दिन में तो फूल जाता है, 15 दिन में पिचक जाता है। जब ही से चंद्रमा का घटना और बढ़ना प्रारंभ हुआ है, बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। एक बार की बात है, भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके आए नगर अयोध्या में, तो सारे नगर निवासियों को, पशुओं को, पक्षियों को, भालुओं को, बंदरों को, सबको बुला लिया। श्री राम जी कहने लगे, नगर निवासियों, जंगल के भालू और बंदरों, आप लोगों के वजह से मैंने लंका पर विजय प्राप्त किया, आप लोगों ने मेरा पूर्ण सहयोग किया, अब आप लोग मेरे से कुछ मांग लो। तो सभी ने सब कुछ मांगा, कोई धन, कोई वैभव। जामबान जी महाराज मस्तक झुकाए बैठे,
भगवान श्री राम ने कहा, जांबवान तुमने कुछ नहीं मांगा। प्रभु मांगो क्या? लंका में, लंका की सेना में, रावण की सेना में मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं था, मैं तो लड़ ही नहीं पाया और मेरे भुजाओं में खुजली मच रही है। अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो दो दो हाथ आपसे ही हो जाएं। भगवान श्री राम ने कहा, जांबवान स्वामी और सेवक का युद्ध ये मर्यादा के विपरीत है। स्वामी और सेवक का युद्ध ये मर्यादा के विपरीत है, फिर भी मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि जाओ, हमारा तुम्हारा युद्ध द्वापर में जाकर के होगा। त्रेता में वरदान देकर के आए और यहां जांबवान और मेरे गोविंद द्वारका नाथ का 28 दिन रात युद्ध चलता रहा। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। एक दारथ मारियो विजयी बानर ध्वजम गांडीव धनुरादायो कोण चाचे साईं। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन ये दोनों महारथी जंगल में मृगया करने के लिए गए। मृगया करते करते श्री कृष्ण अर्जुन दोनों महारथियों के होंठ सूख रहे प्यास के कारण। चलते चलते मेरे श्याम कालिंदी यमुना के पास में पहुंच गए, यमुना के तट पहुंच गए। वहां पर यमुना के सुंदर सलिल जल का पान किया। अपने क्षुधा को मिटा लिया। अर्जुन हाँ नाथ, अर्जुन देखो सामने एक कोई कन्या बैठी है। अर्जुन मुझे ऐसा लग रहा है ये कन्या अपने पति की खोज में बैठी है, जाओ जाओ पूछो। अर्जुन जाकर के पूछ रहे कन्या से कि का तुम कशासी सुश्रोणी कुतोषी क्यों चिकीर सची मन्ने त्वां पत्नी क्षन्ति सर्वं कथे शोभनी। सुंदरी, अर्जुन ने कहा सुंदरी तुम कौन हो, यहां क्यों बैठी हो, कारण क्या है, अपना परिचय बताओ। तो कालिंदी अर्जुन को परिचय दे रही है कि अहम देवशीष पितुर दुहिताम पत्नी क्षति विष्णु वरेण्यं तपहा परमास्तुतम। वीरवर मैं शूर्यपुत्री हूं और मेरा नाम है कालिंदी। पिता के निर्मित भवन यमुना जल में बनवाए हुए भवन में निवास कर रही हूं, तपस्या कर रही। तपस्या का उद्देश्य कि विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्तुतम्। विष्णु को वरण करने के लिए तपस्या कर रही और मैंने कितना प्रण किया है कि जन्म कोटि लगन लगन हमारे कृष्ण तो
एक जन्म की प्रतिज्ञा नहीं की, कालिंदी ने कोट जन्म की प्रतिज्ञा की, मेरा विवाह होगा तो विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परमास्तु। अर्जुन द्वारकानाथ के पास में आए, प्रभु हाँ अर्जुन, द्वारकानाथ शूर पुत्री कालिंदी और आपको वरण करने के लिए तपस्या कर रही है। मेरे श्याम द्वारकानाथ कालिंदी के पास में गए, कालिंदी को रथ में बिठाया और चल दिया नगर द्वारका की ओर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरे गोविंद ने नगर द्वारका में कालिंदी के साथ में विवाह किया। बिंदान बिंदान भावनत दुर्योधने वशान स्वयंवरे स्वभगिनी कृष्णे शक्तां निषेधतां। राजन, उज्जैन का एक राजा है, उसे पहले अवंतिका कहते हैं। उज्जैन का एक राजा है जिसका नाम है बिंद और अनविंद। स्वयंवर में श्री कृष्ण के प्रति आशक्त अपनी बहन को भगवान का वरण पति चुनने से रोक दिया। भगवान गोविंद ने सभी राजाओं को देखते देखते मेरे गोविंद ने अपनी फुआ राजा दी देवी की पुत्री मित्र बिंदा को बलपूर्वक हरण करके लाए, विवाह किया। नग्न जिन्नाम कौशल्यम आशीद राजति धार्मिक तस्य सत्या भवति कन्या देवी नग्न जिते नृप। हे राजन, कौशल देश का एक राजा है जिसका नाम है नग्नजित, बड़ा धार्मिक राजा है। उसकी कन्या है जिसका नाम है नग्नजिति, उसको उर्फ में सत्या भी कहते हैं। राजा नग्नजित ने कौशल में अपनी कन्या नग्नजिति सत्या के लिए स्वयंवर किया। ये स्वयंवर कहां से चले हैं, ये कौशल से प्रारंभ हुआ है। कि क्या प्रण किया है कि जो सात बैलों को एक साथ में नाथ देगा उसी के साथ में मैं अपनी कन्या सत्या का विवाह करूंगा। स्वयंवर कहां से प्रारंभ हुआ है, कौशल से। महाराज जनक ने भी स्वयंवर किया था। कि रहे हुए बाहे चापया धीन। महाराज जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर क्यों किया, इसमें कुछ कारण है, उस कारण को सुनो। ये शिवधनुष था महाराज जनक की रानियां। महाराज जनक शिवधनुष की पूजा करते थे तो रानियां आसपास गोबर से लीप करके चौक पूर करके धनुष की पूजा करती। ये बात ये सीता देख रही
कि मेरी माताएं धनुष की नित्य प्रति पूजा करती है गोबर से लीप करके, और किसके गोबर से? गाय के गोबर से। गाय का गोबर पवित्र क्यों है? ध्यान करना इस बात को। जब सभी देवता गौ के अंग में विराजमान हो गए, 33 करोड़ देवता, तो लक्ष्मी पीछे से आई, गौ माता मुझे स्थान दीजिए। गौ माता ने कहा, 33 करोड़ देवता विराजमान हो चुके हैं अंग रोम रोम में, कोई जगह नहीं। तो कहा, जाओ तुम गोबर में निवास करो, नित्य प्रति अपनी देहरी को गौ के गोबर से नित्य लीपना चाहिए, चौक करना चाहिए, इससे आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, आपके घर में लक्ष्मी आएगी। गौ का गोबर से लीपना लक्ष्मी की प्राप्ति, चौक करना नारायण का प्रवेश। आप नित्य प्रति गौ घर में गौ के गोबर से लीपना, क्योंकि गौमूत्र गौ का गोबर ये बड़ा पवित्र है। एक बार दूध की बात चली कि दूध किसका अच्छा होता है, किसी ने कहा भैंस का, किसी ने कहा गौ का, तो एक सज्जन बैठे थे कि नहीं नहीं, दूध तो वास्तविक भैंस का ही होता है, लेकिन गाय का दूध नहीं होता, गाय का अमृत होता है। छोटे छोटे बच्चों को हमेशा भैंस का दूध मत पिलाना, चाहे बंधी बांधना पड़े, आपको 1 लीटर दूध अपने बच्चे के लिए गौ का पिलाएं, जिसके गौ के दूध से उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है। और भैंस के दूध से, भैंस तो जानते ही कितनी मस्त रहती है, गोबर में ही लेटी है, पूंछ पटक रही है, गंदे गड्ढों में लेट रही है, इसीलिए हमेशा अपने छोटे छोटे बालकों को गौ का दूध पिलाओ, क्योंकि गौ के प्रत्येक अंग में देवताओं का निवास है। हर घर में एक गाय होना चाहिए। आज गायों की बहुत दुर्दशा हो रही मेरे देश में, मेरे भारत में। शासन प्रशासन ने कई गौशालाएं खुलवा दी, लेकिन गाय एक भी नहीं। इसीलिए हमें और आपको इस मामले में सतर्क होना चाहिए कि प्रत्येक घर में गाय होना चाहिए। गाय में बहुत गुण है, इस घर में गाय रहती है, अगर किसी को रोग हो तो सवेरे खड़े होकर के उसके मस्तक से लेकर के पूंछ तक 7 बार हाथ फेरिए, 15 दिन के अंदर ही आपका रोग दूर हो जाएगा। ये गौ के लक्षण है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। माताएं धनुष के आसपास लीपती, चौक लगाती। बेटी सीता 3 वर्ष की थी, उसने देख लिया मेरी माताएं धनुष की पूजा करती हैं, तो माताएं तो घर के काम को चली गई। भगवती सीता ने विचार किया, मेरी मां आज पूजा करने नहीं आई, चलो चलो हम ही करें। ये दृश्य देख रहे महाराज जनक जी, 3 वर्ष की सीता ने धनुष को उठाया, अलग रख दिया, गोबर से लीप करके चौक बना करके पुनः रख दिया। जनक जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, 3 वर्ष की सीता ने और शिव धनुष को उठा लिया और पूजा कर रहे, जबकि भोपे चाहे से दश एक ही बार, भोपे चाहे से दश एक ही बार, हजार राजे लगे हैं लेकिन धनुष उठ नहीं रहा। और 3 वर्ष की सीता ने लेकर के धनुष को उठा लिया और पूजा कर दी। इसी कारण से जनक ने स्वयंवर किया, जो सीता की तरह बलशाली होगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। स्वयंवर किया, देश देश के भूपति आए, राजे महाराजे आए सीता के स्वयंवर के लिए। महाराज श्री गुरुदेव के पास साथ में श्री राम जी भी आए, चलो राम जनकपुर में
धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ, चलो देख के आए। चल दिया राम जी ने, लक्ष्मण ने। लागो जनकपुर में मेला, हमारो मन मनवा करे दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण आए। सभा लगी हुई है, देश देश के भूपत आए। राम जी भी यथायोग आसन पर बैठे हैं। वहां की सखियां कहने लगी, बहन देखो कितने सुंदर राजकुमार हैं और यही सीता के योग पर होना चाहिए। सभी ने नजर डाली, चलिए भगवती सीता ने देखा राम को। लोग कहते हैं कि श्री राम ने धनुष को तोड़ा है और यहां प्रमाण मिल रहा है कि भगवती सीता के प्रताप ने तोड़ा है। राम जी बैठे हैं, धनुष से प्रार्थना कर रही सीता कि गण नायक बली दायक देवा, गण नायक बली दायक देवा, गण नायक बली दायक देवा, जब देश देश के भूपत आए, भगवती सीता से प्रार्थना कर रही है, धनुष अगर मैंने आपकी पूजा की हो तो हल्के हो जाना। धनुष पूछ रहा है कितना हल्का हो जाऊं, देवी बताओ, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 100 ग्राम 10 ग्राम कि नहीं नहीं, धनुष इतने हल्के हो जाना कि हमारे राम जी हाथ लगाएं और आप अपने आप ही उठ करके टूट जाना। देश देश के राजे महाराजे बैठे हैं। भूपेश से दस कही बार लगे उठावन तरहिन तार। महाराज जनक बड़े दुखी हो रहे हैं, मैंने बहुत बड़ा प्रण किया, क्या मेरी बेटी सीता कुंवारी ही रह जाएगी। वीर विहीन मही में जानी, मैं समझ चुका हूं कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। शेषावतार भैया लक्ष्मण को न रहा गया, एकदम फुसकारने लगे, भैया भैया आज्ञा हो तो कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं। राम जी बड़े सरल स्वभाव, लक्ष्मण इतने आवेश की आवश्यकता नहीं है, अरे रुक जाओ ना, जब धनुष नहीं टूटा तो तुरंत ही गुरुदेव ने कहा, ओठ हो राम भंज हो भव चापा, मेट हो ताप जनक परतापा। राम जी खड़े हुए, सीता धनुष से प्रार्थना कर रही, धनुष हल्के हो जाना। श्री राम ने धनुष को छुआ, लेते चढ़ावते खेचत गाढ़े, लेते चढ़ावते खेचत गाढ़े,
राजे महाराजे बैठे थे, किसी ने नहीं देख पाया। धनुष से हाथ लगाया, धनुष अपने आप उठा, बीच से दो टुकड़े हुए। सीता की सखियां बड़ी प्रसन्न हो रही, मेरे भोलेनाथ ने बड़ा अच्छा वर मिलाया। जयमाल लेकर के भगवती सीता जा रही राम जी को पहनाने के लिए। राम जी बड़े हैं, सीता छोटी है, तो सखियां प्रार्थना कर रही हैं राम जी से। झुकी जइयो तनक रघुवीर, रघुवीर झुक जाना, मेरी सीता छोटी है। अब ससुराल में झुकना और नम्रता तो उसी को आती है जो भले आदमी का लड़का हो, और नहीं तो सारी ऐठ और सारी गुस्सा ससुराल में ही बता देते हैं। वैसे कभी सिगरेट नहीं पीते होंगे, और ससुराल चलेंगे तो बाजार में लगा एक सिगरेट देना, अरे डब्बी दो, उसमें डब्बी सिगरेट डब्बी में डाल करके पहुंच गए ससुराल, पहुंच गए उन्होंने सिगरेट सुलगाई। वैसे कभी बीड़ी भी नहीं मिली होगी पीने को, और डब्बी लेकर के आंगन में फेंक दिया। वो केवल 100 का नोट है, 200 भी नहीं है। 100 का नोट निकाला, अपने साले को देने लगे, लाला ले एक सिगरेट की डब्बी ला। सास बोली, लाला लाला रुक जा रुक जा रुक जा, हम मंगवाए दे थे। एक डिब्बी वहां से डाली। ससुराल में जाओ तो भाई नम्र बन जाओ, वहां के लोग ये कहें कि वास्तव में मुकु मेरी बेटी को कोई वर मिला। वहां जाकर के घमंड मत बताना। सखी सीता जी को साथ में लेकर, सखियों के साथ सीता जा रही है जयमाल लेकर के। झुके जइयो लला रघुवीर, हरि बोल। झुके जइयो लला रघुवीर, लली मोरी किया। लक्ष्मण भैया घबरा गए, अरे बड़े भैया खड़े हैं और मेरी ओर इशारा हो रहा, तो लक्ष्मण हो यही मर मोहन छोटी है। लक्ष्मण भैया घबरा गए, राम जी के श्री चरणों में लिपट गए, प्रणाम करने लगे। श्री राम ने झुक करके उठाया लक्ष्मण को। इतने में भगवती सीता ने लेकर के जयमाल डाल दिया। बोलिए राम जी सरकार की। चलते हैं आगे की ओर।
मैं आपको बड़ी सुंदर चर्चा की ओर ले चलता हूं। आनंद रामायण के शार कांड से सीता जी की कथा को जन्म की कथा श्रवण कराना चाहता हूं। राजा जनक के समक्ष खड़े हैं अहिल्या के जठर से उत्पन्न हुए जनक जी के पुरोहित शतानंद पुरोहित बुलाए। तो महाराज दशरथ जी ने प्रश्न किया कि सीता पृथ्वी से कैसे उत्पन्न हुई। कहा पूर्व काल में। अब देखिए बड़ी सुंदर आपको यह कथा श्रवण करा रहा हूं, यह कथा आपने सुनी नहीं होगी। अभी पद्माक्ष नाम के एक राजा हैं, उन्होंने सारे संसार को देख लिया कि सारा संसार लक्ष्मी के अधीनस्थ है। तो महाराज पद्माक्ष ने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या प्रारंभ किया। लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आई और महाराज पद्माक्ष से कहने लगी, बताइए आपने मुझे याद किया कि आप मेरी पुत्री बन जाएं। लक्ष्मी ने कहा, नहीं, मैं विष्णु के अधीन हूं। तो महाराज पद्माक्ष ने विष्णु ने कहा, बोलिए क्या बात है, मुझे आपने याद किया है, मैं प्रसन्न हूं कि मुझे सीता लक्ष्मी जैसी पुत्री चाहिए मुझको, क्योंकि आजकल सभी लोग साधु हो चाहे महात्मा हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे घर गृहस्थ हो, लक्ष्मी चाह रहे कि लक्ष्मी आ जाए और बिना लक्ष्मी के कुछ होता नहीं है। नीचे बैठ जाओ। लक्ष्मी के बिना कुछ होता नहीं है। तो राजा पद्माक्ष को विष्णु ने एक बिजोरा नींबू दिया, बड़ा नींबू आता है बिजोरा नींबू, नींबू को दिया, उस नींबू को फाड़ा, उसमें कन्या निकली। कन्या शूर सदृश सोने के समान तेजस्वी है, बैठी है। इतने में रावण विमान लेकर के आया, उसके मंत्रियों ने कहा, महाराज बड़ी सुंदर कन्या बैठी है। रावण ने विमान नीचे कर दिया, कन्या को पकड़ने के लिए दौड़ा रावण, तुरंत ही वह कन्या अग्नि कुंड में समाहित हो गई। लंकेश ने उस राख को लेकर के बटोरा और लेकर के संदूक में भर लिया और लंकेश लंका में आया। मंदोदरी से कहा, इसमें बहुत से सोना चांदी आभूषण रत्नों से जटित पिटारी है। मंदोदरी ने हिलाया, हिला नहीं संदूक। जैसे ही मंदोदरी ने उस संदूक को खोला, उसमें कन्या देखी, बड़ी सुंदर कन्या है। मंदोदरी ने कहा लंकेश से, स्वामी ये क्या है तुम्हारा बवाल, ये तो लंका को विध्वंस करने के लिए आई है, ये लंका को विध्वंस कर देगी। उसने तलवार निकाल करके मारने को दौड़ा रावण, मंदोदरी ने तलवार पकड़ लिया कि अभी मरना चाहते हो, क्या अभी ही मरना चाहते हो। संदूक को बंद किया और राजा जनक के बगीचे में लेकर के, उनकी जमीन में लेकर के गढ़वा दिया। राजा जनक ने वहां जल नहीं बरसा, जिस मौजे में जल गाड़ दिया जाता है, कोई वस्तु गाड़ दी जाती है तो वहां पानी नहीं बरसता है। तो राजा जनक ने धार्मिक आयोजनों को किया, वहां बहुत सा सोना चांदी धन संपत्ति को लुटाया कि भैया कैसे भी अनुष्ठान कराए कि कैसे भी जल बरस जाए, नहीं बरसा। तो ज्योतिर्विदों को बुलाया, ज्योतिर्विदों से कहा, मेरे राज में जल नहीं बरस रहा। कहा, राजन आप यज्ञ करवाएं, आपके राज में जल की वर्षा होगी। इधर राजा जनक ने एक ब्राह्मण को लेकर के जमीन को दान कर दिया,
ब्राह्मण ने शुभ मुहूर्त में हरायते लेने के लिए, ब्राह्मण पहले हल नहीं चलाते थे, उसने अपने नौकर, वो शूद्र था, उसने नौकर से कहा कि जाओ हल लेकर के जाओ। हल लेकर के जैसे गया, हल लेकर के गया, हल की नोक में वो संदूक निकल पड़ा। तुरंत ही शूद्र आया और महाराज जनक से कहा, महाराज आपने अच्छे मुहूर्त में शोधन किया है, उसमें तो एक पिटारा निकला है। राजा जनक ने जाकर के उस पिटारे को देखा, कहा इस जमीन को तो मैं दान कर चुका था। ब्राह्मण को बुलाया कि इस जमीन को मैं दान कर चुका था, जो भी इसमें होगा तुम्हारा है। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज इसके अंदर की वस्तु मेरी नहीं है, जमीन मेरी है, लेकिन इस पिटारा नहीं लिया पिटारा। जब महाराज जनक जी ने उस पिटारे को खोला तो उसमें सीता निकली। सीता जी के तीन जन्म की कथा को सुने। ये सतयुग में कुशध्वज की कन्या, इसका नाम था वेदवती। एक दिन वेदवती कौश की नदी के पावन तट पर तपस्या कर रही थी। उस समय रावण कामातुर होकर के आया, वेदवती का स्पर्श किया। वेदवती ने श्राप दे दिया कि जाओ मेरे पति के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यही वेदवती त्रेता में जनक कन्या और ये सीता बनी। यहां लंकेश ने भगवती सीता का हरण किया तो यहां राम जी और रावण का युद्ध हुआ। लोग कहते हैं कि लंकेश सीता को लेकर के लंका ले गया। यहां प्रमाण मिल रहा है, भगवान श्री राम ने कालुतासन से कहा कि जब तक करहु निशाचर नाशा, तब तक करहु यज्ञ में बासा। जो असली सीता थी वो कालुतासन अग्नि को सौंप करके गई कि जब तक यहां रहा। वो लंकेश छाया रूपी सीता को लेकर के लंका में गया। सीता वापिस आई, छाया रूपी सीता ने श्री राम जी से कहा, बताओ प्रभु अब मैं क्या करूं। श्री राम ने कहा, सीते तुम पुष्कर में जाओ, वहां तपस्या करो, तब तुम स्वर्ग की लक्ष्मी होगी। यही छाया रूपी सीता ने 300,000 वर्ष तपस्या की, यही आकर के स्वर्ग की लक्ष्मी हुई, यही यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई और यही द्रुपद कन्या को होकर के 5 पांडवों की पत्नी हुई। सतयुग में कुशध्वज की पुत्री वेदवती, त्रेता में जनक कन्या, द्वापर में द्रौपदी। ये आपने सीता जी की पावन कथा को श्रवण किया। राम जी के साथ में विवाह हुआ सीता जी का। कौशल देश के राजा हैं नग्नजीत, उन्होंने 7 बैलों को निशाना बनाया है कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ में अपनी कन्या का विवाह करूंगा। वो 7 बैल कैसे हैं? सांड के सदृश हैं, तीखे तीखे सींगों वाले हैं। बहुत से राजे महाराजे सत्या से नग्नजीत से विवाह करने के लिए आए, उन 7 बैलों ने लेकर के निरुत्साहित कर दिया, हतोत्साहित कर दिया और किसी को अंग भंग कर दिया और किसी को यमलोक भेज दिया। महाराज नग्नजीत बड़े दुखी हो रहे हैं। तन बल धन बल बुद्धि बल शरण को न हुकाम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। तनबल धनबल बुद्धिबल सारे बल बेकार हो जाते हैं, तो एक बार प्रभु का नाम ले लोगे कल्याण हो जाएगा।
महाराज नगरी दुखी हो रहे हैं। भगवान द्वारकानाथ आए कौशल में। नग्न जीती ने कहा, प्रभु आप हमारे पिता के प्रण को पूरा कर दें, इन सात बैलों को नाथ दें तो मेरे यथा योग्य वर हो जाएंगे, मन इच्छित वर हो जाएंगे। भगवान को कौन सी बड़ी बात है, क्षण भर में लेकर के सातों बैलों को एक ही रस्सी में पिरो दिया। जैसे छोटे छोटे छोरा मिट्टी एवं लकड़ी के बैलों को खचोड़ करके घसीट करके चलते हैं, बाही प्रकार से मेरे श्याम सातों बैलों को नाथ दिया। सारा घमंड दूर हो गया नग्नजीत का, उसने विवाह किया अपनी पुत्री सीता के लिए। महाराज जनक ने कितना दान किया था, तुर के लाख रथ सही से बचे, तुर के लाख रथ सही से बचे, सकल सभारे दही दिया कि दस धेनु सहस्त्राणी पाए बरी हो मदादि भू त्रसाहस्त्रम निष्किग्रीवा, युवती नाम त्रसाहस्त्रम निष्किग्रीवा सुभाष्ट्रम, 10,000 गाय सोने के सींग मढ़वा करके, चांदी के खुर मढ़वा करके 10,000 गायों को दान किया। आभूषणों से सुसज्जित 3,000 दासियां, 9,000 हाथी, 9,00,000 रथ, 9,00,00,000 घोड़े, 9 अरब सेवक दहेज में दिया। इतना दहेज दिया कि लोकपति भी लज्जित हो गए। आज मेरे देश में ये दहेज कलंक के नाम से है। अगर समधी समधी बनना है तो महाराज जनक को दशरथ जैसे बनो। जनक जी चाहते हैं मैं गुप्त रूप से अवध भेज दूं, दशरथ को पता न चले, और दशरथ जी चाहते हैं कि जो कुछ मिलेगा जनकपुर में यहीं पर लुटा करके चले जाएंगे। इसका नाम है विवाह, इसका नाम है संबंध। और आज मेरे देश में दहेज कलंक है। हमारी 30-30 वर्ष की लड़कियां बैठी हैं जिनके हमारे पिता लोग विवाह नहीं कर पा रहे हैं इस दहेज के कारण। अगर वर खोजने के लिए जाता है पिता, पहुंच गए बैठ गए, कैसे आयो भैया, अरे मैंने सुना है आपके यहां लड़का है कोई। हाँ अभी छतरपुर से लोग आए थे, 40,00,000 रुपया एक फॉर्चूनर गाड़ी, इतना कह के गए, हवा खिसक गई। क्यों भाई क्या हो गया, अब देखेंगे घर से पूछ के तब बताएंगे, इतनी पहुंच ही नहीं हो पा रही। तुम दहेजी ठहराते हो उन दीने जनों का क्या होगा, तलाश धनहीन पिता धन उतना ना दे पाते हैं, धनहीन सोलसी कन्याओं को बूढ़ों के साथ बिहाते हैं। जब इस पन में सिंदूर मिटा तो अगले पन में क्या हो, तो
मेरे देशवासियों, ग्रामवासियों, इस दहेज कलंक को मेटते चलो तो हमारे गरीब और अमीर सभी भाई अपनी कन्याओं का नियम के अनुसार विवाह कर सकें। ये कुप्रथा है। इस बुराइयों को त्यागते चलो, समाज का सुधार करते चलो। जो हो रहे हैं मृत्यु भोज कन्याओं के विवाह में, दहेज ये हमारे देश में ये कुप्रथा है, कुप्रथा। इस प्रथा को मिटाते चलो तो हम गरीब अमीर मिलकर के सभी देशवासी भारत का उत्थान करेंगे। इधर सीता की विदा हो रही है और इधर सत्या की विदा हो रही है, नगरी जी की माताएं रो रही है। चले ही बरात, चली है बरात, सुनत शब रानी। चली है बरात, सुनत शब रानी। निकल चलना सुना, बेटी सीता की विदा हो रही, माताएं रो रही, बेटी को गोदी में लिए कि हो है संतत पिए है प्यारी। हो है संतत पिए है प्यारी, बात आशीर्वाद दे रही है। और क्या कह रही है, उपदेश दे रही है कि सास ससुरे गुरु सेवा करे हो, ससुरे गुरु पतिरो। बेटी सास ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, लेकिन पति की सेवा में कुछ और ही बता दिया। सास ससुर गुरु की सेवा करना और पति रुखे लखे यसो अनुसर। बेटी पति के रुख को देख करके सेवा करना ये पत्नी का धर्म है। पति प्यासे हैं, जल लेकर के पहुंच जाओ, भूखे हैं भोजन लेकर के पहुंच जाओ, ये आपका धर्म। क्यों कि एक ये धर्म एक प्रयत्न में लिखा है कि स्त्री को गुरु को और पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ये मर्यादा की विपरीत है। जंगल में भगवती सीता से वहां सहचरियां पूछ रही हैं
ये तुम्हारे कौन है? तो सीता इशारा करके कहती है कि खंजन मंजू तेरी छे नयन करके लक्ष्मण की ओर इशारा कर रही है कि सहज स्वभाव सहज स्वभाव सहज तन गोरे और राम लखन प्रभु ये देवर मोरे ये लक्ष्मण का परिचय दे रही है कि ये मेरे देवर हैं देवर तो समझ गई कि ये पति है तुम्हारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए एक त्रेता का देवर था लक्ष्मण जो अपनी भाभी सीता की केवल नूपुर की ओर देखा बिछिया देखे हैं पैरों की ओर देखा है। एक बार श्री राम ने भैया लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण देखो देखो ये कादों के कुंडल क्या तेरी भाभी सीता के हैं? प्रभु मुझे मालूम नहीं है मैं तो केवल बिछिया देखा चरणों की ओर देखा है। और आज के देवर अपनी भाभियों से मजाक करते हैं जबकि भाभी एक माँ के समान होती है और बड़ा भाई एक पिता तुल्य होता है। एक त्रेता का देवर और एक आज कलयुग का देवर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपनी बेटियों को विदा होते समय सदुपदेश दे। देखिए एक बड़ा सुंदर गीत ये आप अपने हृदय में उतार लेना ये कि घर में ही मंदिर बनाई बो जय जय तीर्थ घूमन कब हो न जाए कौन है? सास को गौरी समझो ससुर को शंकर और पति को विष्णु। सास ससुर की सेवा करना हमारा आपका परम धर्म है। माता तीर्थम पिता तीर्थम तीर्थम साधु समागम। माता पिता की सेवा से बढ़कर के सास ससुर की सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। ससुर साहब बूढ़े हैं पढ़ी लिखी बहू आई अपने मिस्टर से कहने लगी सुनो हाँ क्या बात है अरे आपने संगमरमर और टाइल्स तो लगवा दिया
लेकिन पिताजी बहुत गंदगी मचाते हैं, इसलिए एक छप्पर बनवा दो आगे, उसमें एक छोटा सा मटका रख दो, वहीं पड़े रहेंगे। तो वही बड़े बूढ़ो समन जाना, पत्थर ढोते ढोते सारी जिंदगी व्यतीत हो गई। जब महल अटारियों को बना पाया, टाइल्स और संगमरमर लगाया, लेकिन बुढ़ापे में आपको छप्पर में ही छान में ही रहना पड़ेगा। आजकल के ससुर भी तो पूछते हैं, क्या पढ़ी लिखी है बेटी? हाँ पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी को ही सम्मान देते हैं, और बिना पढ़ी लिखी को, अगर तुम्हारे घर में बिना पढ़ी लिखी आएगी तो कम से कम तुम्हारी सेवा करेगी। पढ़ी भी है और लिखी भी है, कि पहले वहीं से लिखी आई इसलिए पढ़ी और लिखी। ससुर साहब पड़े हैं बंगले में छप्पर के नीचे, बहू जी लोटा पे लोटा धर के निकली महोदय ढारने के लिए। 80 वर्ष के हैं ससुर साहब, खांसी उठने लगी। बहू एक लोटा पानी ले आओ। बहू झुंझला के दौड़ी है, जब जब मैं पूजा करने जाती तभी ढुकास लगती, कल से तय मोहिम में बोरिंग करवा दी थी। कर्म किए जिनने बारिश, हाँ हाँ कर्म किए जिनने बारिश, कहा होते महादेव मेरी प्यारी देवियो, कम से कम को बोलो तब भी मत बोलो। अरे सेवा जितनी हो उतनी कर देना, लेकिन बुरा मत बोलो सास ससुर से कभी। अगर सास ससुर के मुख से कहीं बद्दुआएं निकल जाएंगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप ये समझो कि मुझे भी 10 साल बाद सास बनना, तो जो आपके आप व्यवहार कर रही हो तो आपके बेटे और बहू आपके साथ में व्यवहार करेंगे। इसीलिए सभी लोग ध्यान करना, और सासों को भी समझा रहा हूं कि बधू लड़के नी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से आप अपनी बहुओं की रक्षा करना, प्यार करना, दुलार करना, बेटी मानना कि मेरी बेटी है। और लोग कहने लगे महाराज और भी तो परिवार हैं, कि हाँ घर में ही मंदिर बनाई वो तीर्थ घूमने कब हो जेठ को ब्रह्मा मानो, जेठानी को तुलसी मानो। अगर जेठ जेठानी
जेठ जेठानी एक गिलास जल मांगेगी नहीं मिलेगा। हे भगवान, तुलसी पे इतना जल डालेंगे कि तुलसी की जल भले ही निकल पड़े लेकिन गम नहीं खाई जाएगी। एक मैया 80 साल की थी, महाराज के सामने आई। महाराज ने कहा, मैया अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाया करे तो तेरे घर में किसी प्रकार की बीमारी ना हो गेंगी। मैया कहने लगी, महाराज हाँ सुनाओ। तुलसी तो खूब लगाऊ थी लेकिन सूख जाती, क्या पानी नहीं डालती? हे महाराज, इतना पानी डालती कि चारों बहुएं चारों लड़का और 10-12 नाती। बताओ भैया, सारा घर अगर तुलसी पे जल डालता रहेगा तो तुलसी की जड़ तो वैसे ही निकल पड़ेगी, तुलसी सूख जाएगी। मैया एक बहू से कह दो कि जल डाल दो, एक से कह दो भोग लगा दो, एक से कह दो पूजन कर दो, एक से कह दो आरती कर दो, तो तुम्हारे घर में तुलसी भी बनी रहेगी और तुलसी की पूजा भी हो जाएगी। तो जहां सुमती तहां सम्पति नाना, जहां सुमती तहां सम्पति नाना, बस जिस घर में सुमति होगी वहां देवों का निवास रहेगा, और जिस घर में कुमति प्रवेश कर जाएगी तो उस घर में कलयुग पहुंच जाएगा। इसलिए केवल 50-60 वर्ष की अवस्था में जीवन लीला समाप्त हो जाती है, उसमें भी बुराइयां भलाइयां करके चले जाते हैं। माताएं उपदेश दे रही हैं, बेटी ससुर को जइयो तुम चांद बने के, बेटी ससुर को जइयो तुम चांद बने के, पीछे से खइयो तो लाज बने के, बेटी ससुरे को जइयो तुम चांद बनके। सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर को खिला करके पीछे से खाना, लज्जा एक नारी का आभूषण है। नारी का आभूषण क्या है? लज्जा है। तो आपके पास में लज्जा रूपी आभूषण है। बेटी ससुरे को जइयो तुम चांद बनके। मेरे गोविंद का सत्या से विवाह हुआ, मित्र वृंदा के साथ में विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ में विवाह हुआ, भद्रा के साथ में विवाह हुआ। मेरे प्रभु आए, भौमासुर को मार करके और भौमासुर के बंदी गृह में 16,100 राजकन्याओं को देखा। 16,000 राजकन्याओं ने अपना मन एक एक करके लगा दिया। भगवान ने भौमासुर के बंदी गृह से 16,100 राजकन्याओं को लेकर के द्वारका भिजवाया, उनके साथ में अटूट सेना कोष खजाना संपत्ति को भिजवाया। द्वारका नाथ ने द्वारका में 16,100 के साथ में विवाह किया। ये 16,000 राजकन्याएं भौमासुर के बंदी गृह में कौन थी?
ये वेदों की ऋचाएं थी। वेद नेति नेति कह करके हार गए, तो उन्होंने विचार किया चलो जनकपुर में कन्या बनेगी, वहां राम जी आएंगे उनके साथ में मेरा संबंध जुड़ जाएगा। ये कन्याएं जनकपुर की, ये वेदों की ऋचाएं हैं कन्याएं। राम जी आए, राम जी ने उस समय एक व्रत लिया था, एक नारी व्रत लिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। राजन, यही अयोध्यावासी गोपियां ही द्वापर में पटरानियां बनी। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे मिथिलेश्वर, सिंधु देश में एक राजा है जिसका नाम है विमल, चंपक नाम की नगरी में निवास करता है, बड़ा धर्मज्ञ है, धनवान है, लेकिन महाराज राजा विमल के 6000 रानियां हैं और सभी रानियां बंध्या हैं। एक बार महाराज विमल ने अपने पूज गुरुदेव याज्ञवल्क्य मुनि को बुलवाया, कहा गुरुदेव मेरे 6000 रानियां हैं सभी बंध्या हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा हमारा श्री, कन्याएं तो करोड़ों की संख्या में हैं लेकिन पुत्र नहीं। महाराज विमल दुखी हो रहे, गुरुदेव पुत्रों पुत्रियों से गति नहीं होगी, पुत्र से गति होगी। ध्यान करना, पुत्रियों से गति तो नहीं हो सकती है लेकिन पुत्रों से गति जरूर हो सकती है। आप इतने लोग बैठे हैं, कोई कहे कि मैं पुत्रों से सुखी हूं कोई नहीं कह सका, कोई पेट में रो रहा है कोई ऊपर रो रहा है। पुत्रों से गति तो नहीं होगी लेकिन गति जरूर होगी, ये बात निश्चित। और गति चाहती हो तो पुत्रियां ही गति करते हैं, कल्याण करती हैं। पुत्र पवित्र किए कुल दो, पुत्र पवित्र किए कुल दो, किए कुल दो, सुदर्शन बदल जग कहे कृष्णो, सुदर्शन बदल जग कहे कृष्णो। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा राजन पुत्रियां तो करोड़ों की संख्या में लेकिन पुत्र नहीं है। महाराज पुत्रियों से क्या होगा फिर, कहा आगे द्वापर युग आने वाला है, अपनी 6000 कन्याओं को लेकर के द्वारकानाथ को सौंप देना, विवाह कर देना, तो तुम्हारा जो देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, इस ऋण से छुटकारा पा जाओगे। यही अयोध्यावासी गोपियां, यहां 16000 पटरानियां बनी, रानियां बनी, लेकिन 100 कौन है, क्योंकि 16108 राज कन्याएं रानियां और पटरानियां भी, 100 कौन है। एक बार भगवान श्री राम दंडकारण्य वन में 14 वर्ष के वनवासी बने हुए हैं, 14 वर्ष का वनवास है, भगवती सीता का हरण हो चुका है, बोलिए कन्हैया लाल की। चलते हैं आगे की प्रश्न की ओर। एक बार श्री राम ने कहा, गुरुदेव यज्ञ कर रहा, गुरुदेव ने कहा, धर्माचार्यों ने कहा
यज्ञाचारों ने कहा श्रीराम बिना धर्म पत्नी के धर्म नहीं होता है, यज्ञ नहीं होता। अगर यज्ञ करना है तो धर्म पत्नी के साथ ही करना चाहिए। धर्म पत्नी सीता नहीं है, हरण हो चुका। तो भगवान श्री राम ने आचार्यों की आज्ञा को सिरोधार करते हुए कहीं मिट्टी की सीता बनाई, कहीं सोने की, कहीं चांदी की, कहीं तांबे की, कहीं लोहे की, विद्वानों के द्वारा प्रतिष्ठाकार करा करके, ग्रंथि बंधन करके, यज्ञ वही मूर्ति को लेकर के मंदिर के भूगर्भ में रख दी जाती है। प्रेमियों, जिस देव की प्रतिष्ठा होती है उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, जल भी चाहिए। प्रतिष्ठा कराना तो सरल है लेकिन उसका निर्वाह करना बड़ा मुश्किल है। हाथी तो 1,25,000 में आ जाता है लेकिन हाथी के लिए भोजन कितना होता है मालूम है आपको? बोलिए कन्हैया लाल की। एक दिन 100 मूर्ति सजीव होकर के राम जी को घेर लिया, मेरे साथ में पानी ग्रहण करो। श्री राम ने कहा देवियों इस समय मैंने एक नारी व्रत लिया है, आगे द्वापर में तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। यही 100 आकर के मेरे गोविंद के साथ में विवाह हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। 16,108 रानी पटरानियों के साथ में विवाह किया। अब आपको एक बड़ा सुंदर परिचय दे रहा हूं। तो फिर राधा कौन थी? राधा कोई रानी नहीं थी, राधा कोई पटरानी नहीं थी, राधा कोई रानी और पटरानी नहीं थी। चलिए राधा की दो प्रकार की उत्पत्ति बताते हैं। एक बार मेरे गोविंद मंडप में बैठे हैं, मंडप में बैठे हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। उनके बाम अंग से एक कन्या प्रकट हुई। वह कन्या भगवान से अनुमति लेकर के राज सिंहासन पर बैठ गई। वो कौन है? राधा। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्ण राधा स्वरूपणम। वही है राधा, वही है कृष्ण, वही है कृष्ण, वही है राधा। एक प्राण दो देह। लेकिन आनंद रामायण के अनुसार आपको राधा की उत्पत्ति बताते हैं। ये आनंद रामायण के राज्य कांड से पेज नंबर 505 पर यह कथा आप पढ़ेंगे। श्री राम राज्य में श्री राम की एक सगुड़ा नाम की दासी थी। सगुड़ा नाम की एक दासी थी। भगवान राज सिंहासन पर बैठे हैं, तांबूल चबा रहे हैं। तांबूल की पहली पीक दोषकारक होती है। श्री राम जी को थूकने की इच्छा हुई, वहां कोई पीक दान नहीं था। सगुणा दासी ने भगवान के भाव को देखा तो तुरंत ही अपने हाथों में लेकर के थूक थुकवा लिया। सगुणा दासी भगवान के उस थूक को लेकर के महाप्रसाद मान करके और पान कर ली। श्री राम ने कहा सगुणा तेरे बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे भाव हैं, तू वरदान मांग। सगुणा ने कहा प्रभु मैं आपके श्री चरणों की दासी बनना चाहता हूं। क्या? कि आपके श्री चरणों की दासी बनना चाहती हूं। भगवान ने कहा ये मस्तु, तू यही सगुणा नाम की दासी, ये आनंद रामायण के राजकांड के पेज नंबर 505 से उदाहरण दे रहा हूं, यही आकर के राधा बनी। लेकिन राधा की मां का नाम कलावती थी। ये भी अयोनिज है, ये अग्नि कुंड से प्रकट है। कन्नौज के एक राजा हैं जिनका नाम है भनंदन। भनंदन राजा ने अपने राज में यज्ञ किया,
तो यज्ञ कुंड से दूध पीती हुई एक बालिका प्रकट हुई। राजा भनंदन ने उस कन्या को उठाया, हृदय से लगाया, घर लाए, उसका नाम रखा कलावती। मालूम है राधा की मां का नाम क्या है? कलावती। वो भी अग्नि कुंड से प्रकट हुई है अयोनिज। कलावती पिता के गृह में बढ़ने लगी। ब्रज के राजा बाबा नंद जी रास्ते में आ रहे हैं, सुंदर कन्या को देखा, ब्रजवासियों से पूछा, ब्रजवासियों ये कन्या किसकी है? ब्रजवासियों ने कहा, महाराज श्री ये कन्नौज देश के एक राजा हैं, भनंदन उनकी कन्या है। वाह, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है ये तो। तुरंत ही राजा भनंदन को बुलवाया। बाबा नंद ने कहा कि आपकी बेटी लक्ष्मी के सदृश है, इसके लिए योग पर बता रहा हूं, वो इस ब्रज का राजा है, शूरभानु पुत्र बृषभानु, उसकी यहां विवाह कर दीजिए। तो बाबा नंद के कहने पर कलावती का विवाह है। वर्षा ने ब्रज के राजा शूरभानु पुत्र बृषभानु के साथ में कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आपने 16,108 विवाहों को श्रवण किया। तीनों लोकने से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकने से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकने से न्यारी राधा रानी हमारी, I'm not afraid of the dark.
देखो दुबली पतली एक मैया ने कितना सुंदर नाच किया, गजब। पीछे से ध्यान आता है हम नच लेते तो बहुत अच्छा लगता। अब का होत नचे ते आधे को दिन है, बस हो गया पूरा काम। क्षणिक समय के लिए वाणी को विराम, केवल 10 मिनट के लिए वाणी को विराम होगा।